आज हम चर्चा करेंगे एफएमडी बीमारी के बारे में। यह वर्षा में होने वाली एक बीमारी है जो कि एक्टो नामक वायरस से होती है। इस बीमारी में देखा गया है पशु के मुख में छाले पड़ जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, पशु थोड़ा बहुत लंगड़ाने भी लगती है छाले पड़ने के कारण, वह थनों में छाले पड़ जाते हैं, पशु खाना कम कर देती है, पशु की दूध घट जाती है, वह पशु में टेम्परेचर 106.7 रहता है, कभी कभी 103.4 के पास भी रहता। इन सभी लक्षणों को देखकर हमें समझना चाहिए एफएमडी है। इस बीमारी का इलाज नहीं, इसका इलाज मात्र टीकाकरण ही है, परंतु टीकाकरण नहीं कराने के कारण यदि यह बीमारी हो जाए तो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। जो भी छाले पड़े हैं उसको रेड पोटास केमिकल से अच्छी तरह से धो लें, नीम के पत्तियां को उबाल कर उससे अच्छी तरह प्रत्येक घाव को धोए, वह हल्दी मक्खन उसमें लगा दें तथा नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अधिकतर इस बीमारी में डॉक्टर्स गण पेंसिलिन ग्रुप की दवा लगाते हैं, आइवरमेक्टिन लगाते हैं और बी कॉम्प्लेक्स लगाते हैं तथा ए भी लगाते हैं, वह बुखार के अनुसार पैरासिटामोल भी लगाते हैं। यदि आप सावधानी बरते तो एफएमडी होगा ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं यह बीमारी बरसात के दिनों में होती है। उससे पहले बारे के आसपास उसकी सफाई कर लेनी चाहिए अच्छी तरह से, ताकि पशु में यह बीमारी न हो। और यदि बारे में एक पशु को यह बीमारी हो जाए तो उस पशु को अन्य पशु से अलग बांध लेना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें।